हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लॉग। यानी लॉग हम जो इससे पहले वाले वीडियोस में देखा था, लॉग के हमने बेसिक सम्स कवर किए थे, उसमें मेरा वीडियो है लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2। आज का लेक्चर नंबर 3 जो है उसमें हम लॉगरिदम का एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों हम लोग स्टडी करेंगे। और उसके लिए आज के लिए फॉर्मूलाज जो है वो यहाँ पे लिखता हूं मैं। फॉर्मूला नंबर 4, लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए इंटू बी। दो लॉग के बीच में प्लस हो तो मल्टीप्लीकेशन होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला, लॉग ए माइनस लॉग बी, दो लॉग के बीच में माइनस हो तो क्या होता है, लॉग ए डिवाइड बाय बी। चल, यानी याद आपको ऐसे रखना है कि अगर दो लॉग के बीच में प्लस हो तो मल्टीप्लीकेशन, दो लॉग के बीच में माइनस हो तो डिविजन। ये आपको याद रखना है। अभी इसके बाद हम एक सम देखते हैं। मीन्स हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 हुआ। स्टेटमेंट ऐसा है, इफ लॉग ए प्लस बी बाय 3 इज इक्वल टू हाफ हाफ log a प्लस log b, देन प्रूव दैट a by b प्लस b by a equals to 7। ये आपका सम है। अभी ये सम थोड़ा बड़ा है और इवन जीटीयू के अंदर ये सम 3 से 4 बार एग्जाम में पूछा हुआ है। और ये सम आता है तो ये सम तकरीबन 3 से 4 मार्क का पूछता है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, ये सम आपको 3 to 4 मार्क्स में आ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट सम, ध्यान देना इसमें क्या करना है। हमें आपकी बुक्स में अच्छे से समझाया नहीं, देखो क्या करना है इसमें। इसमें आपको क्या दिया है, इफ लॉग ए प्लस बी बाय 3 इक्वल्स टू हाफ लॉग ए प्लस लॉग बी। यानी ये आपको जो दिया था ना, ये आपको एक रिलेशन दिया है। क्या दिया है, रिलेशन, यानी एक संबंध दिया है, रिलेशन दिया है। ये रिलेशन को आपको यूज करना है और आपको इस रिलेशन को यूज करते करते इस रिलेशन में आप ये सब फॉर्मूलाज डालते डालते लास्ट में इसका जो आंसर आएगा, जो फॉर्म आएगा, वो इस फॉर्म में आना चाहिए। ये भले प्रूव दैट है बट इसमें LHS से RHS नहीं जाना है, RHS से LHS नहीं जाना, इसमें LHS RHS कुछ नहीं है। नहीं, डाबी बाजू जमनी बाजू जिसको हम लोग बोलते हैं दाहिना साइड और बाइना साइड, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसको सीधे आपको ऐसे सॉल्व करते जाना है। हम पहले इसको स्टार्ट करते हैं। अभी आप देखिए इसमें 1/2 दिया है तो 2 जो है ना वो डिवीजन में है, नीचे है, तो 2 कहां जा सकता है, इधर आगे। तो इसका 2 जो है वो 2 आगे जा सकता है। यहां पे हम लोग उसको रख सकते हैं, तो मैं वही करूंगा। इसमें हो जाएगा 2 log a प्लस बी बाय 3, सिर्फ मैं 2 आगे लिखूंगा, बाकी पूरा क्वेश्चन एज इट इज कॉपी करूंगा, इक्वल्स टू 1 log a प्लस log b। अभी आपको जाहिर सी बात है, आपको पता है कि ये जो 1 है इससे मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये हट जाएगा,
ब्रैकेट को भी मैं हटा दूंगा। अब देखें यहां पे एडिशन का फॉर्मूला यूज होगा। एडिशन का फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला नंबर 4, लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए बी। तो इसका जो फॉर्म आएगा लास्ट में, इसको मैं रिड्यूस करूंगा यानी इसका फॉर्मूला यूज करूंगा, तो ये हो जाएगा लॉग ए बी। ठीक है, और ये साइड क्या होगा, इसमें आप देखिए फॉर्मूला नंबर 1 यूज करना है, पर ये कैसा फॉर्मूला होगा, उल्टा होगा, यानी ये साइड से आपको इधर जाना है। तो मैं एरो ऐसा कर देता हूं। अभी ये m log x है, तो m यहां पे क्या है, m है 2, तो m log x है, तो यानी m ये है। ठीक है, तो ये m ऊपर जा सकता है फिर से उल्टा, हमने कल जो वीडियोस में देखा था उसमें m ये फॉर्म था, यहां से यहां आता था, अभी वो साइड जाएगा, यानी इसको 2 को हम लोग इस साइड भेज सकते हैं ऊपर, यानी 2 क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा। तो इसका यहां पे फॉर्म क्या आएगा, सॉरी यहां पे देयरफॉर आएगा, यहां पे फॉर्म हो जाएगा log a plus b by 3 पावर 2। अब देखिए आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लॉग कैंसल होता है, ये लॉग कैंसल हो जाएगा, उसका कंडीशन समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये लॉग कैंसल होता है, बट हर एक केस में हो सकता है नहीं हो सकता, किस कंडीशन में लॉग कैंसल होता है मैं आपको समझाता हूं। यहां पे मैं लिखता हूं, कंडीशन ऑफ लॉग कैंसलेशन, तो उसकी कंडीशन क्या है, पहला तो ये होना चाहिए कंडीशन नंबर 1 के इक्वल के दोनों साइड सिंगल लॉग होना चाहिए, इसके इक्वल के ये साइड भी सिंगल लॉग, इक्वल के वो साइड भी सिंगल लॉग होना चाहिए, यानी एक ही लॉग होना चाहिए। तो यहां पे है ऐसा, इक्वल के ये साइड एक ही लॉग है, इक्वल के ये साइड भी एक ही लॉग है, यानी ये कंडीशन वहां पे फुलफिल होती है। पर दूसरी एक और कंडीशन है, कंडीशन ये है कि लॉग के पहले यानी ये साइड इक्वल करके लॉग के ये साइड कुछ नहीं होना चाहिए, इट शुड बी ब्लैंक, यानी कि ये होना चाहिए ब्लैंक खाली, ये भी होना चाहिए ब्लैंक, जिसको हम लोग बोलते हैं खाली, ऐसा होना चाहिए, तभी जाके आप ये लॉग कैंसल कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए लॉग के पहले कुछ नहीं है, खाली है, लॉग के पहले खाली है, सिंगल सिंगल लॉग है, कैंसल हो गया। उसके बाद क्या आएगा, क्या बचा अभी, a प्लस बी अपॉन 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, सॉरी यहां पे मिस्टेक हो गया, ये 2 है तो यहां पे 2 होना चाहिए। अब क्या करेंगे, अभी ये पावर जो है, ये पावर जो है वो इधर भी जा सकता है और इधर भी लग सकता है, ये पावर a प्लस बी होल स्क्वायर बन जाएगा और यही पावर 3 को भी लगेगा, तो 9 बन जाएगा। कैसे, देखो ये मैं यहां पे स्टेप एक अलग से लिखता हूं, a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया और 3 का भी स्क्वायर हो गया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, ब्रैकेट था, दोनों में कॉमन था ये स्क्वायर, इक्वल्स टू ए बी। अब क्या होगा, देखो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला फिर से यहां पर लिख देता हूं, कि ये स्कूल में हमने समझा था, फिर से हम देख लेते, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और अगर माइनस होता तो क्या होता, a माइनस बी होल स्क्वायर होता तो क्या होता, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा हो जाता,
यानी कि अगर यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ बीच में प्लस रहता है, मिडल टर्म प्लस, माइनस हो तो मिडल टर्म माइनस। अब इसको देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, थ्री स्क्वायर का आंसर 9 इक्वल्स टू ए बी। अब ये 9 को आप लोग वहां लेके जाओगे, ये 9 चला जाएगा यहां पे, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 9 ए बी, बराबर। अब ये 2ab जो है, 2ab हम लोग इज इक्वल टू के वो साइड भेजेंगे तो क्या बनेगा, इसको ये साइड ले लेते हैं, इसके बाद कंटिन्यू कर रहा हूं मैं कि 2ab यहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 9ab माइनस 2ab, क्योंकि ये क्यों हुआ इक्वल के ये प्लस है, इक्वल के वो साइड गया तो प्लस का क्या होगा माइनस होगा, इसलिए प्लस का साइन मैंने यहां पे माइनस कर दिया। अब 9 में से 2 जाएगा तो 7, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 7ab। अब देखिए यहां पे 7 चाहिए था, 7 आ गया, बट आपको ए बी नहीं चाहिए क्योंकि यहां पे ए बी नहीं है, तो ए बी नहीं चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाय ए बी कर सकते हैं। इक्वल के एक साइड आपने ए बी को डिवाइड किया तो इक्वल के ये साइड भी आपको ए बी से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहां पे भी ए बी से डिवाइड कर दिया, यहां भी ए बी से डिवाइड कर दिया, अब क्या बचेगा, अब देखिए अब कैंसल आउट हो जाएगा, ये एक ए कैंसल, एक बी, ये दो बी थे तो एक एक भी कैंसल कर दिया, ए बी कैंसल, तो क्या बचा ए प्लस बी, सॉरी ए अपॉन बी, बी अपॉन ए इक्वल टू 7। कैसे बचा देखो, ए अपॉन बी प्लस तो प्लस, बी अपॉन ए बी अपॉन ए इक्वल टू 7, ये आपका आंसर यहां पे लिख देने का। हेंस तो ये टॉप, ये सम मैंने इस टॉपिक में इसलिए लिया है क्योंकि ये एडिशन का सम बन रहा है, ठीक है। तो अभी इसमें चेंज क्या हो सकते हैं, एग्जाम में आपको यहां माइनस लिख सकते हैं, ठीक है, अगर यहां माइनस लिखा तो फिर ये कुछ अलग बनेगा, ये कुछ और लिखा होगा, इवन यहां भी आपको माइनस करके आपको प्रूव करवा सकते हैं, ठीक है। एक और सम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जिसे मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करूंगा, यानी प्लस माइनस या थोड़ा बहुत, यहाँ पे 2 है तो 3 हो सकता है, ठीक है, यहाँ 3 है तो इसको 2 कर सकते हैं, ऐसा चेंज करके एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक सम फिर से सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। मैं आशा रखता हूँ आपको मेरा टीचिंग अच्छा लग रहा है, तो आप प्लीज़ कमेंट दे लिखिए आपको वीडियो कैसा लग रहा है, शेयर कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए। आपको मैं इवन ये मैथ्स के डिप्लोमा का सारा मैथ्स डिटेल में सिखाने वाला हूँ, आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अभी आपने एडमिशन लिया है डिप्लोमा में तो आप सब्सक्राइब करके रखिए चैनल, क्योंकि मैं पूरा का पूरा इंजीनियरिंग का मैथ्स, डिप्लोमा का मैथ्स, डिग्री का मैथ्स, मैकेनिकल के सारे सब्जेक्ट्स, डिप्लोमा डिग्री इस चैनल में आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं चाहता हूं कि आपको बिना ट्यूशंस के भी अच्छा टीचिंग मिले, ठीक है। कॉलेज में तो मुझे पता है पढ़ाते नहीं है, तो आप ये सब्सक्राइब करके रखिए, आपको बहुत ही काम लगेगा, आप देखते रहिए वीडियोस, आपको बहुत ही मजा आएगा, अच्छा भी लगेगा, ठीक है, ओके, थैंक यू।